हाय एवरीवन, वेलकम करते हैं एक और न्यू वीडियो में। सो फाइनली गाइस, जहाँ पे WCC3 का न्यू अपडेट लॉन्च हो चुका है, तो इस अपडेट में आप लोगों को कुछ फीचर्स अच्छे देखने को मिल जाते हैं। बात करें यहाँ पे न्यू फीचर्स में क्या कुछ देखने को मिला है, तो यहाँ पे आप लोगों को पैट बॉल का कनेक्शन, जो सिलेक्टेड बैट बॉल है शॉर्ट है, उसमें आप लोगों को कनेक्शन बेटर करा गया है। उसके साथ साथ गाइस, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म अ लाइट ऑफ स्टैंडिंग फ्रॉम इम्प्रेसिव विजुअल्स, तो ये क्या चीज़ है अभी तो मुझे पता नहीं है। बाकी यहाँ पे जो बॉल ट्रायल है उसमें यहाँ पे एड रियलिज्म करा गया, उसके साथ साथ यहाँ पे बग फिक्स करे गए, और यहाँ पे आप लोगों को अंपायर में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आप लोगों को गेम इंप्रूवमेंट भी देखने को थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो लेके चलते हैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे क्विक मैच में, और जो कुछ भी यहाँ पे चेंजेस आए वो आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल जाने वाली हैं। बाकी अगर यहाँ पे आप लोगों को स्टेडियम में काफ़ी अच्छी यहाँ पे चीज़ आप लोगों को ऐड करी, क्योंकि ग्राफिक्स आप लोगों को कुछ पहले से बेटर देखने को मिल रहे हैं। आप लोगों को जो अभी मैंने ये आप लोगों को जो गेम प्ले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो ये मुंबई का स्टेडियम है। बाकी अगर आप लोग अदर स्टेडियम कोई जो न्यू ओपन करेंगे उसके ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, बाकी इसके भी अच्छे हैं। बाकी मुझे यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैंने यहाँ पे न्यू टेस्ट मैच जब खेला, तो उसमें आप लोग मैंने यहाँ पे न्यू स्टेडियम जो चुना तो उसमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स लग रहे थे। तो आप लोगों को मैं बताऊँ तो शॉट सिलेक्शन आप लोग इस तरीके का देख सकते हैं कि कुछ अब यहाँ पे जो बॉल का जो ट्रायल आ रहा है उसके पीछे जो यहाँ पे जो वाइट लाइन आती है जो उसको यहाँ पे बड़ा कर दिया गया है। उसी के साथ साथ गए जहाँ पे शॉट जब कनेक्ट होता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे गेम तो कंपनी ने इम्प्रूव करा है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे गेम कंपनी इम्प्रूव कर रही है धीरे धीरे अपडेट्स के ज़रिए। जो लास्ट टाइम अपडेट आया था उसमें आप लोगों को बात करें तो यहाँ पे इन्होंने इसमें स्टेडियम इम्प्रूव करा था, यहाँ पे चेन्नई का स्टेडियम इम्प्रूव करा था। तो अब यहाँ पे धीरे धीरे कंपनी अपना गेम इम्प्रूव कर रही है। बाकी यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ खास तो लगा नहीं, बट यहाँ पे जो भी फीचर्स इन्होंने दिए अब किसे अच्छे दिए, मतलब यहाँ पे ठीक लग रहा है। बैट बॉल का जो कनेक्शन हो रहा है कुछ थोड़ा बहुत यहाँ पे लग रहा है कि हाँ रियलिस्टिक व्यू में थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी यहाँ पे ग्राफिक्स आप लोगों को यहाँ पे हाई क्वालिटी के ही देखने को मिल जाते हैं। अभी HD यहाँ पे लॉन्च नहीं करा गया है, मेरे हिसाब से इसमें ग्राफिक्स की कमी है, ग्राफिक्स और थोड़े अच्छे हो सकते हैं। तो ग्राफिक्स अपडेट अगर देंगे अगर आने वाली अपडेट्स में, तो और अच्छे गेम को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं कंपनी अपनी। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे न्यू एम्पायर जो ऐड हुआ है उसके बारे में आप लोगों को बता दूँ, तो न्यू एम्पायर भी काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाता है। उसका जो जर्सी देख सकते हैं तो वो पूरी चेंज कर दी गई है, और न्यू एम्पायर भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो कंटिन्यूस जब आप 406 मारेंगे तो आप लोगों को न्यू एम्पायर एनिमेशन देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जर्सी यहाँ पे चेंज कर दी गई एम्पायर की, और कुछ हद तक की यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अंपायर का जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको जो सेचुरेशन है वो काफ़ी अच्छे यहाँ पे कर दी गई है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो कंपनी पहले से कुछ हमें लगता है हल्का सा यहाँ पे इन्होंने अच्छा करा है। तो यहाँ पे आप लोग ये न्यू एनिमेशन देख सकते हैं अंपायर का। तो इसी तरीके से एक सिक्स का भी सेलिब्रेशन है, मतलब सिक्स का भी एक एनिमेशन है। बाकी यहाँ पे शॉट कनेक्शन देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये शॉट मुझे लगा जब मैंने यहाँ पे खेला इसको, तो हाँ थोड़ा बहुत रियल फीलिंग आ रही है, तो पहले से बेटर है और काफ़ी अच्छे से कनेक्ट, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है इस तरीके जो शॉट यहाँ पे बैट से बॉल जो कनेक्शन है वो काफ़ी अच्छा। तो ये वाला सिक्स जो एनिमेशन था वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बाकी गाइस मैंने आपको बताया कि टेस्ट मैच में काफ़ी इसका अच्छा आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर गाइस आप लोग यहाँ पे पूरा टेस्ट मैच खेलते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे न्यू कैमरा एंगल देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ साथ गाइस यहाँ पे आप लोगों को न्यू एनिमेशन भी हो सकता है एक दो ऐड करे गए हों। बाकी आप लोग न्यू कैमरा एंगल देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को न्यू कैमरा एंगल देखने को मिल रहे हैं। बाकी गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं बताऊँ तो काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे ऐड करी गई इस बार हैं, और गेम इंप्रूवमेंट बेसिकली करा गया क्योंकि यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैच खेला है और आई थिंक डिफ़िकल्टी लेवल भी 7 था, तो अप्रॉक्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं तो ठीक ठाक यहाँ पे मैच था, और लास्ट ओवर में 19 रन चाहिए थे अपोनेंट को तो उसने बना दिए थे। तो गेम प्ले इम्प्रूव करा गया मैं इस बारे में कह सकता हूँ क्योंकि गेम प्ले मैंने खेला है। बाकी एनिमेशन कुछ थोड़े थोड़े न्यू कैमरा एंगल से इसमें ऐड करे गए, काफ़ी अच्छी चीज़ें लग रही हैं। अपडेट अगर बात करें यहाँ पे तो अपडेट ठीक ठाक है, अच्छा लग रहा अपडेट है। बाकी का यहाँ पे ये न्यू कैमरा एंगल आप देख सकते हैं, ये कुछ कैमरा एंगल जब आप लोग टेस्ट मैच खेलेंगे तो वो आप लोगों को फीचर देखने को, मतलब कैमरा एंगल वाले न्यू एंगल देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊं जो स्टेडियम के बारे में जो उन्होंने एक अपडेट बताया है, स्टेडियम से रिलेटेड अपडेट जो आया है उसके बारे में आप लोगों को बताऊं तो आप लोगों को टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। तो अगर आप लोग पूरा टेस्ट मैच खेलेंगे तब उसमें आप लोगों को कुछ चेंजेस नज़र आएंगे। बाकी आप लोग अगर खेलिएगा तो मुझे कमेंट में बताइएगा क्या कुछ चेंजेस आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। फिलहाल कहीं अगर बात करें तो अपडेट की, अपडेट आप लोग कर सकते हैं, अपडेट का साइज़ 255 में भी देखने को मिल जाता है, और ज़्यादा कोई बड़ा साइज़ भी नहीं, आप लोग चाहें तो अपडेट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अच्छा अपडेट है तो ज़रूर अपडेट कर लिएगा। उसके साथ साथ टेस्ट मैच में अंपायर की जर्सी भी चेंज कर दी गई है, तो आप लोगों को काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है अपडेट इस अपडेट में है। बाकी गाइस यहाँ पे अपडेट में इतना ज़्यादा कुछ खास था नहीं, तो जो भी चीज़ें यहाँ पे मैंने आप लोगों को रिव्यू करके बता दी हैं। तो आई होप गाइस आपसे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे को बहुत जल्दी नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।